नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। NVS कैटरिंग असिस्टेंट का 2022 का क्वेश्चन पेपर का हम पार्ट टू इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पार्ट टू मतलब कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर को, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 31 है, दाल बाटी चूरमा एंड खीर सांगरी आर फेमस डिशेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो हम दाल जानते हैं, दाल बाटी चूरमा जो है वो राजस्थान से आता है, तो इसको यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा खीर सांगरी भी जो है, खीर सांगरी को हम समझते हैं, समझ लेते हैं कि एक ट्रेडिशनल राजस्थानी एक डिश होती है जो कि बनाया जाता है ड्राइड खीर बेरी, जो कि यहाँ के रेगिस्तान में उगती है, जिसका पेड़ होता है वो उगता है, और सांगरी बीन से इसको मिलाकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, वो है आपका एन आइसिंग प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग शुगर टू 112 डिग्री सेल्सियस एंड बीटिंग टू अ फज लाइक स्मूथनेस। इस मतलब एक तरीके की आइसिंग है, वो प्रिपेयर की जाती है आपको शुगर को बॉइल करने करके 112 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको बीट किया जाता है फज लाइक स्मूथनेस तक। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है फोंडेंट है। फोंडेंट जो है आइसिंग होती है जो कि डेकोरेशन में यूज की जाती है, स्कल्पचर केक्स होते हैं, पेस्ट्री है उसमें यूज की जाती है। इसमें शुगर, वाटर, जिलेटिन और वेजिटेबल फैट, शॉर्टनिंग और ग्लिसरॉल इसमें यूज होते हैं। फोंडेंट जो है दो तरीके का होता है, रोल्ड फोंडेंट जो कि एक स्टिफ क्ले की कंसिस्टेंसी का होती है, बहुत हार्ड होता है और केक के डेकोरेशन के लिए यूज आता है। दूसरा जो फोंडेंट होता है वो पोर्ड फोंडेंट बोला जाता है, मतलब पोरिंग कंसिस्टेंसी का होता है, एक थिक लिक्विड होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे फोंडेंट भी जो है, इसके अलावा जो है गिनाश जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आप देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं हम, द वेस्टर्न कलनरी टर्म फॉर जैम और फ्रूट प्रिजर्व इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है, जैम और फ्रूट प्रिजर्व का जो एग्जैक्ट वेस्टर्न कलनरी टर्म है वो कॉन्फिटर है, कॉन्फिटर या कॉन्फिट भी इसको बोलते हैं। कॉन्फिट जो होता है वो आपका मतलब होता है कैंडीड फ्रूट होता है, कुक्ड एंड प्रिजर्व्ड इन शुगर। तो ये कॉन्फिट का मतलब होता है बेकिंग में, और कॉन्फिचर का मतलब जो होता है एक फ्रेंच वर्ड है जो कि जैम, प्रिजर्व और मामलेट के लिए यूज होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया गया है, कंपोट। कंपोट जो होता है वो आपका फ्रेश फ्रूट या ड्राई फ्रूट होता है, इसको शुगर सिरप में स्लो कुक किया जाता है। तो जो कॉन्फिचर और कंपोट में अंतर होता है कि कंपोट जो होता है एक प्रॉपर शेप में होता है, उसको पूरा जो है मैश नहीं किया जाता है, और कॉन्फिचर जो होता है एक तरीके से जैम जेली है जो अपना शेप खो देता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और टर्म यूज करी गई है, वो है रेलिश। तो रेलिश की जो है बहुत ज्यादा क्लियर डेफिनेशन नहीं है, बट जो रेलिश जो है वो एक पिकल्ड प्रोडक्ट होता है मेड फ्रॉम चॉप्ड वेज फ्रूट्स या पिकल्स खुद भी हो सकते हैं, राइट। इसको कॉन्डिमेंट्स की तरह यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द फैट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिल्क एंड अ ब्लेंड ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इमल्सिफाइड विद लेसिथिन विद एडेड सॉल्ट कलरिंग एंड विटामिन ए एंड डी इज। तो यहाँ पर जो है डिफाइन किया जा रहा है ऑप्शन टू, मार्जरीन को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। मार्जरीन जो होता है वो वेजिटेबल ऑयल के ब्लेंड से बनता है, और उसको इमल्सिफाई किया जाता है लेसिथीन से, और उसमें सॉल्ट और कलरिंग ऐड की जाती है, और विटामिन ए एंड डी उसमें ऐड किया जाता है। तो जो मार्जरीन है वो आपका स्प्रेड होता है, फॉर फ्लेवरिंग यूज किया जाता है, बेकिंग एंड कुकिंग में मार्जरीन को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, द टर्म यूज्ड फॉर फूड कट इनटू थिन लॉन्ग स्ट्रिप इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जूलियन है। जूलियन जो है आपका अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, इसको एलुमेंथ कट भी बोला जाता है, और जूलियन जो है ये मैच स्टिक कट भी इसको बोला जाता है। तो दो नाम हो आपके जूलियन के हो गए, एक एलुमेंथ और दूसरा नाम है आपका मैच स्टिक कट। और जो जूलियन का जो यहाँ पे 3 to 4 सेंटीमीटर इन
लेंथ, मतलब ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है, थिन लॉन्ग स्ट्रिप होती है, 3 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में इनको काटा जाता है। और जूलियंस को जो है चाइनीज स्टिर फ्राइज में यूज किया जाता है, सैलेड्स में या गार्निशेस में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा मैसेडोइन है, ये भी जो टर्म है यहाँ पे दिया हुआ है मैसेडोइन, ये भी जो है एक वेजिटेबल कट है, 1/4 इंच डाइस का ये मैसेडोइन होता है। और ये जो है सूप, सैलेड और लार्ज फ्रूट के लिए इसको यूज किया जाता है। और भी यहाँ पे टर्म दी है एगुलेट्स दिया हुआ, एगुलेट्स जो है ये लॉन्ग थिन स्लाइस होते हैं आपके कुक मीट्स के। जो फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन एक और दिया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कट्स ऑफ वेजिटेबल पूछे गए हैं, तो ये कट्स ऑफ वेजिटेबल जो है आपको पढ़ना है सारे के सारे। और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी कट्स ऑफ वेजिटेबल की, उसको आप मेरे चैनल में जाके, यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो है जार्डिनायर भी यहाँ पे टर्म यूज किया है, ये जो वेजिटेबल होते हैं बैटन शेप में काटे जाते हैं, 1 इंच इनकी लेंथ होती है एंड 1/4 इंच by 1/4 इंच की ब्रेड्थ इसकी थिकनेस होती है। तो ये जो जार्डिनायर होते हैं ये आपके थिकन वर्जन होते हैं जूलियन कट से, मतलब जो जूलियन कट है उससे ज्यादा थिक होते हैं। और इसको भी जो है स्टिर फ्राई डिशेस में या ये खुद ही एक वेज साइड डिश इसकी बनाई जाती है। तो कट्स ऑफ वेजिटेबल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत बार पूछा गया है इस पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड ऑन द लेबल बाय फूड मैन्युफैक्चरर्स एज अ लाइकली एलर्जन। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, और इसके ऊपर जो है मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि इसमें क्वेरी आप कैसे रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें करेक्ट आंसर दिया हुआ है कि अगर सल्फाइट का जो लेवल है वो 10 mg/kg से ज्यादा होता है, तो इसमें जो है आपको फूड लेवल में मैन्युफैक्चर को इसमें डिक्लेयर करना है एज ए लाइकली एलर्जन। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन है ग्राउंड नट ऑयल, ये भी जो है ये खुद ही FSSAI की वेबसाइट है, वहां पे इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। FSSAI की वेबसाइट जो है उसमें ये PDF दिया हुआ था, कंपेंडियम जो है इनके सर्कुलर का, वहां पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट शेल ऑल्सो मैंशन द इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड बिलो अगेंस्ट द फूड आइटम्स डिस्प्लेड ऑन द मेन्यू मेन्यू कार्ड्स और बोर्ड्स और बुकलेट नेमली। तो यहाँ पे ये ए दिया हुआ है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एलर्जेंस, मतलब इनमें से जो ये टोटल 8 पॉइंट दिए, इनमें से कोई भी चीज होती है तो आपको एज एलर्जन उसको इन्फॉर्म करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 6 में दिया हो ग्राउंड नट ट्री नट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, तो मूंगफली के नट्स जो है, मूंगफली जो है और उनके प्रोडक्ट्स, मतलब मूंगफली का तेल भी इसमें आता है, इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। और ऑप्शन यहाँ पर 8 दिया हुआ है सल्फाइट इन कंसेंट्रेशन ऑफ 10 mg/kg और मोर, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से गलत है, इसमें क्वेरी भी लोगों ने रेस की थी। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, अ रिच थिक ब्राउन करी ऑफ चिकन मटन और वेजिटेबल्स मैरिनेटेड इन कर्ड्स एंड थिकन्ड विद पॉपी सीड्स एंड कोकोनट इज कॉल्ड अ। तो हमको कई बार जो है जैसे आंसर नहीं पता है तो ऑप्शन देखना चाहिए, जैसे कढ़ाई है ये ऑप्शन गलत है, अचारी भी जो है इसमें जो है पिकल के जो मसाले वो अचार के मसाले यूज करते हैं अचारी में, जैसे चिकन अचारी, तो उसमें चिकन को अचारी मसालों के साथ कुक किया जाता है। सालन जो है आपका ये एक स्ट्यू होता है वेजिटेबल या मीट का, ये एक उर्दू वर्ड है, तो मतलब ये एक नॉर्मल ग्रेवी होती है। कोरमा इसका करेक्ट आंसर है, कोरमा अलग अलग तरी जगहों पे अलग अलग तरीके का बन सकता है, जरूरी नहीं कि उसमें हर जगह कोकोनट या फिर पॉपी सीड यूज हो, लेकिन कोरमा की एक जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है जिसको आप पहचान सकते हैं कि वो कर्ड उसमें यूज होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका कोरमा है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं, द फ्यूल मोस्ट वाइडली यूज फॉर कुकिंग इन द कैटरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है एलपीजी है। एलपीजी जो है हमारी कैटरिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी वेस्टर्न कुकिंग में, वेस्टर्न कैटरिंग इंडस्ट्री में ज्यादा यूज करती है। सीएनजी, सीएनजी तो यूज होता ही नहीं कुकिंग में, वुड पहले के जमाने यूज होता था लेकिन आज ये यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 आप देख सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग एन ऑयल फॉर कीपिंग फॉर डीप फैट फ्राइंग इज
इट शुड, कौन सा जो ऑयल है वो आपको सेलेक्ट करना चाहिए। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, दो करेक्ट ऑप्शन दिया है, रीच अ हाई टेम्परेचर विदाउट स्मोकिंग। तो ये जो है एक आइडियल ऑयल होता है आपके फ्राई करने के लिए, डीप फ्राई करने के लिए, जो कि हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाए विदाउट स्मोकिंग, मतलब उसमें से धुआं नहीं निकले। और क्वेश्चन नंबर 40 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेल्फ लाइफ स्प्राउटेड पल्सेस आर क्लासिफाइड एज। तो स्प्राउटेड पल्सेस जो है किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं, ऑप्शन दिया है स्टेबल, पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल। तो जो है आपके पेरिशेबल में आता है, पेरिशेबल वो आइटम होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, शेल फिश हो गया, सी फिश हो गया, वाटर फिश हो गया, ये सब किस में जाता है आपके पेरिशेबल आइटम, मतलब ये जो है इसको आप ज्यादा देर बाहर रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा कुछ घंटे में ही, अगर इसको आप बिना रेफ्रिजरेशन के रखते हैं तो वो खराब हो जाता है। सेमी पेरिशेबल वो आइटम होते हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं खराब होने के लिए, जैसे आपका प्याज हो गया, आलू हो गया, ये सेमी पेरिशेबल में आता है। और नॉन पेरिशेबल, हालांकि नॉन पेरिशेबल नाम की कोई चीज नहीं होती है, ऐसी कोई चीज नहीं होती खाने की जो खराब नहीं होती, बट नॉन पेरिशेबल जो होते हैं वो काफी लंबे समय तक, अगर इसको प्रॉपरली स्टोर किया जाए तो काफी लंबे समय तक ये नॉन रेफ्रिजरेशन कंडीशन में भी रह सकते हैं, जैसे हमारे अनाज है, दाल है, और कई पैक्ड आइटम्स हैं जो कि नॉन पेरिशेबल की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड्स टू सीएनजी। तो सीएनजी के जो रिगार्ड में क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है वो गलत है। तो इसमें दिया हुआ है, इट एमिट्स अ लोअर परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कंपेयर टू अदर फ्यूल्स। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इट हैज एन अनलिमिटेड होल्ड टाइम एंड नो फ्यूल लॉस, ये भी सही है सीएनजी के बारे में स्टेटमेंट। एंड ऑप्शन 4 है, इट इज वेरी लाइट एंड क्विकली डिसिपेट्स, तो ये भी सही है, जो आपका सीएनजी बहुत जल्दी डिसिपेट होता है, मतलब बहुत जल्दी वो लीक हो जाता है, फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, द गैस इन सीएनजी इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही है। तो सीएनजी जो है एक ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ 93% मीथेन। इसके अलावा इसमें जो है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और कई ट्रेसेस इसके इथेन के भी इसमें पाए जाती है, और ये आपका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव फ्यूल है, आपका एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल है, और इसमें जो है एज इट्स कंबशन प्रोसेस इमिट्स अ लोअर परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस व्हेन कंपेयर टू अदर फ्यूल्स। तो ग्रीन हाउस गैसेस ये बहुत कम छोड़ता है, जो कि हमारे एनवायरमेंट को कम खतरा पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, शाही जीरा इज ऑल्सो नोन एज, तो एग्जैक्टली शाही जीरा का नाम जो है इसको शाह जीरा भी बोलते हैं, शाह मतलब होता है डार्क कलर का, तो ये जो है शाही जीरा को और क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैरवे सीड्स। तो इसमें कई ऑप्शन और दिए हैं, उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा उनको हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे एनी सीड है, क्यूमिन सीड को जीरा बोलते हैं, फेनल सीड है उसको सौंफ बोलते हैं। तो फेनल सीड और एनी सीड में हल्का सा अंतर ही होता है कि फेनल सीड जो होती है वो आपकी इंडियन सौंफ होती है, जो कि ज्यादा मीठी होती है एनी सीड से। तो इसी तरीके से बहुत सारे मसाले हैं, इनके बारे में आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं, इनके हिंदी में नाम क्या है या दूसरी लैंग्वेज में इसके नाम क्या है, या इनके मसालों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, या इनके मसालों के मिक्सचर के पाउडर बनते हैं प्रोप्राइटरी पाउडर या जेनरिक, इनके क्या नाम होते हैं वो भी आपको पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज इज न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी ऑफ द मील मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पर जो है किस टाइप के मेन्यू में न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू को सबसे ज्यादा देखा जाता है। इसमें ऑप्शन दिया है बैंकवेट मेन्यू, इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग मेन्यूज, तो करेक्ट आंसर इसमें है इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग मेन्यूज, क्योंकि बाकी जगह जो है इतना ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू को नहीं देखा जाता है। इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग में आपकी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिनको की न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो ये ऑप्शन 2 आपका सही है, इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग मेन्यूज। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कॉम्प्रिहेंशन के, बहुत पहली बार इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आपको जो है
सब्जेक्ट नॉलेज के क्वेश्चन पेपर में कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, तो कई लोग जो है इसको पढ़ने बैठ गए थे पूरा का पूरा, लेकिन इसको जो इस ऑप्शन इस क्वेश्चन पेपर में इनको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन तो वही पूछे गए थे, इसके अंदर से इसका कोई लेना देना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, अ रेसिपी कॉल्स फॉर 8 फ्लूइड आउंस ऑफ लिक्विड, हाउ मच इज दैट इज इन द मीट्रिक मेजर। तो मीट्रिक मेजर में जो ब्रिटिश मेजर है उसमें पूछा गया है कि 8 आउंस का आपका कितना ml होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे, हालांकि 225 ml भी गलत दिखा हुआ है, क्योंकि जो ब्रिटिश इंपीरियल फ्लूइड आउंस होता है वो इक्वल टू 28.413 मिलीलीटर होता है, और यूएस का जो फ्लूइड आउंस होता है वो 29.573 ml होता है, अराउंड 29.5 मतलब 30 ml के बराबर हो गया। तो अगर आप इसको इस तरीके से भी देखते हैं, 30 के इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे अराउंड 240-235 इसका आंसर आना था, लेकिन ये जो है इसकी कैलकुलेशन गलत है, बट ये सबसे क्लोज आंसर है, तो इसी को इसको सही माना गया है। फिर से यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए, लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंशन से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, व्हाइल वर्किंग इन द फूड प्रोडक्शन एरिया ऑलवेज वियर अ हेड कवर लाइक अ स्कार्फ, हेयर नेट और अ शेफ कैप मेनली बिकॉज। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए, बट मेन रीजन क्या है शेफ कैप पहनने का, तो इसमें ऑप्शन दिए है द फूड हैंडलर लुक स्मार्टर, ऑप्शन टू है इट इज पार्ट ऑफ द शेफ्स यूनिफॉर्म, और इट प्रिवेंट्स हेयर बिकमिंग ग्रीजी। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन थ्री, इट प्रिवेंट्स डैंड्रफ एंड हेयर फ्रॉम गेटिंग इनटू फूड। तो ये एक सही चीज है कि ये जो है हमारे बाल और डैंड्रफ को खाने में आने से बचाता है, ये इसका प्राइमरी रीजन है शेफ कैप को पहनने का। फिर यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में एक कहानी लिखी हुई है उस क्वेश्चन का, उस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज ऑन द पैकेज फ्रोजन फूड शुड ऑलवेज बी थॉट बिफोर कुकिंग बाय। अब जो है अगर पैकेज में अगर नहीं लिखा है तो फ्रोजन फूड को किस तरीके से थॉ किया जाना चाहिए, मतलब उसको जो रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट है, नॉर्मली जो है मीट आइटम्स होते हैं रेफ्रिजरेटेड, उसको रूम टेम्परेचर पे कैसे लाना है, तो उसको ही थॉइंग बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, कीपिंग इट इन अ वार्म प्लेस इन द किचन, ये इसका गलत उत्तर है। अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो वो एक हजार्ड हो सकता है और फूड कंटामिनेशन हो सकता है, या फिर आपको बीमारी हो सकती है उससे इस तरीके से रखने से। दूसरा ऑप्शन दिया है प्लेसिंग इट इन अ कन्वेक्शन ओवन, तो जो है थॉ करने का जो है गलत तरीका है, इसको कन्वेक्शन ओवन में नहीं रखते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है रिमूविंग फ्रॉम द पैकेट एंड प्लेसिंग इन अ बॉल ऑफ पोर्टेबल वाटर इन द सिंक, तो ये नॉर्मली प्रोसीजर यूज होता है, लेकिन ये सबसे सही ऑप्शन नहीं है। सबसे सही ऑप्शन है लीविंग इट इन पैकेट अंडर पोर्टेबल रनिंग वाटर, तो इसको जो है पोर्टेबल रनिंग वाटर के नीचे रखना है। हालांकि जो सबसे सही तरीका होता है थॉइंग का, वो होता है कि जो थॉइंग में जो प्रोडक्ट होता है पहले वो डीप फ्रीजर में होता है, तो जब हम उसको पकाना है उससे 12 से 14 घंटे पहले हमको उसको रेफ्रिजरेटर में रख देना है, मतलब जो जहां पे आइस नहीं जमती वो वाले एरिया में रख देना है, उसके नीचे एक बंद बर्तन रख देना है जिससे कि उसमें कोई भी आइस पिघलती है या पानी उसमें से निकलता है तो उस ट्रे में या उसमें कंटेनर में वो में रहे और वो फ्रिज में ना फैले, तो वो सही तरीका होता है थॉइंग का। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ थॉइंग, तो उसमें आंसर यही था कि 12 से 14 घंटे पहले या एक दिन पहले उसको रेफ्रिजरेटर जो है डीप फ्रीजर से रेफ्रिजरेटर में रखना है। यहाँ फिर इसे कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है और क्वेश्चन दिया गया है, व्हाइल प्रिपेयरिंग अ सूफले एग व्हाइट शुड बी बीटन टू विच स्टेज, जो है सूफले तैयार करते समय एग व्हाइट को कौन कौन सी स्टेज किस स्टेज तक बीट करना है, तो उसमें बहुत सारी स्टेज दी है, सॉफ्ट पीक्स ड्राई फोमी स्टिफ पीक्स। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा जो सूफले है वो होता क्या है। तो सूफले इज अ बेक्ड एग डिश ओरिजिनेटिंग इन फ्रांस इन अर्ली 18th सेंचुरी। सूफलेज आर जनरली बेक्ड इन रैमेकिंस और सूफले डिशेज, जो रैमेकिंस होती हैं छोटे बॉल्स होते हैं जिसको कि ओवन में भी बेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो सूफले जो है उसको
स्टिफ पीक्स तक कुक किया जाता है, मतलब हार्ड पे। अब सूफले जो है दो तरीके के होते हैं, एक स्वीट होते हैं और एक जो है आपके सेवरी मतलब सॉल्टी होते हैं। तो जो सॉल्टी वाले होते हैं उसको स्टिफ पीक तक कुक किया जाता है, और जो स्वीट होते हैं या फिर जो मीठे होते हैं उसको सॉफ्ट पीक तक जो एग वाइट को बीट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा जो है मुझे यहाँ पे लगता है कि नहीं पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि सूफले के दो मतलब होते हैं और दोनों में अलग अलग स्टेज एग वाइट के बीट करने की यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, मोस्ट फूड बॉर्न इलनेस आउटब्रेक्स इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आर कॉज बाय। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा फूड बॉर्न इलनेस कैसे होती है। तो जो है ये मैंने HACCP की वेबसाइट में भी देखा था और कई अमेरिकन वेबसाइट्स में भी देखा था फूड सेफ्टी की, तो वहां जो यही ऑप्शन निकल के आया था, ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मेटाबोलिट्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स की वजह से बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं और कोई भी पैथोजन है उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो है फूड बॉर्न इलनेस होती है। तो इसके लिए आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे बाकी को तो आपको पता चल जाएगा कि फूड बॉर्न इलनेस का मेन रीजन यही है। इनप्रॉपर जो प्रैक्टिसेस होती हैं जहाँ पे फूड को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाता, उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होती है, उस वजह से सबसे ज्यादा फूड बॉर्न इलनेस होती है। और अलग अलग ऑप्शन और दिए हैं, एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, टॉक्सिक मेटल्स इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल प्रोसेसिंग, और इन एनिमेट फॉरेन ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन, जो ऑप्शन वन ये इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाइल सैनिटाइजिंग द सरफेस ऑफ होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल द रिकमेंडेड कॉन्टेक्ट टाइम विद क्लोरिनेटेड वाटर शुड नॉट एक्सीड। तो इसमें दिया हुआ है 1.2 मिनट्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के ये भी पूछ सकते हैं कि क्लोरीनेटेड वाटर जो है पानी में कितना क्लोरीन उसमें ऐड किया जाता है वेजिटेबल को क्लीन करने के लिए, ये भी एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहाँ पे, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, च्यूइंग टोबैको एंड स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड इन फूड प्रोसेसिंग एरिया मेनली बिकॉज। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर जो है, स्मोकर्स एंड हैंड्स आर इन कॉन्टेक्ट विद लिप्स एंड सलाइवा कैन कंटेमिनेट फूड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन सही नजर आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल फूड हैंडलर्स और एम्प्लॉइज इन अ फूड एस्टेब्लिशमेंट शुड बी डन बाय आ, तो इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, वंस इन अ ईयर। अब जो है आप FSSAI की वेबसाइट में जाके देखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज आपको चेक करना है तो कोई ऑथेंटिक वेबसाइट है तो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसके अंदर में आता है आपका FSSAI, उसकी वेबसाइट में दिया हुआ है कि जो है अरेंजमेंट शैल बी मेड टू गेट द फूड हैंडलर्स एम्प्लॉइज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट मेडिकली एग्जामिन्ड वंस इन अ ईयर टू इंश्योर दैट दे आर फ्री फ्रॉम इंफेक्शियस कंटेजियस एंड एनी अदर कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो साल में एक बार इनका जो है मेडिकल एग्जामिनर जो है फूड हैंडलर्स हैं, इवन जो मीट में डील करते हैं जो बुचर्स होते हैं उनका भी मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए साल में एक बार। और इसके अलावा जिसने भी FSSAI की जो है मेंबरशिप ले रखी है, एफिलिएशन ले रखा है, उसको सभी को साल में एक बार अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, और उसके जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कभी भी जो FSSAI की टीम आके उसको चेक कर सकती है। और अब रिकॉर्ड ऑफ दिस एग्जामिनेशन साइन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल बी मेंटेन फॉर इंस्पेक्शन पर्पस, जो सरकारी मेडिकल डॉक्टर है जो ऑथराइज्ड है वो ही इसको कंडक्ट कर सकते हैं, और इसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना होगा एज ए फूड हैंडलर, जो भी फूड हैंडल कर रहा है उस सब के रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कभी भी इसको चेक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, डिस्कलरेशन ऑफ एप्पल्स एंड पियर्स इन अ फ्रूट सैलेड फ्रेश फ्रूट सैलेड कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब इसमें एक्सेप्शन बताना है कौन सा
नहीं होता है। पहला दिया हुआ है ब्लांचिंग और स्ट्यूइंग द फ्रूट, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कवरिंग द कट फ्रूट विद सिरप, ऑप्शन थ्री है स्क्वीजिंग लाइम जूसेस ऑन कट फ्रूट्स, और चौथा ऑप्शन है यूजिंग अ स्टेनलेस स्टील नाइफ टू कट फ्रूट। हालांकि ऑप्शन ये सही दिया हुआ है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो फ्रेश फ्रूट सैलड है उसको ना तो ब्लांच किया जाता है ना स्टू किया जाता है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। मतलब ये आपने एक्सेप्ट पूछ रहे थे तो ये तो होता ही नहीं है, तो ये एक्सेप्ट वाला बात कहाँ हो गई। दूसरा ऑप्शन दिया है कवरिंग द कट फ्रूट विद सिरप, तो कट फ्रूट को नॉर्मली सिरप से कवर नहीं किया जाता, ये तो बस कस्ट फ्रूट होता है, ये कोई इसको सिरप में कभी भी। और तीसरा ऑप्शन है स्क्वीजिंग लाइम जूस ऑन कट फ्रूट, तो अब ये कोई कट फ्रूट की वैसे भी कहीं बहुत अच्छी डेफिनेशन या उसकी रेसिपी, प्रॉपर रेसिपी किसी भी बुक में आप जाके देखेंगे कल्नरी आर्ट्स की, तो वहां पे आपको कट फ्रूट की एक प्रॉपर रेसिपी नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सारी बुक छानी, वहां तो उसकी रेसिपी ही नहीं थी। तो मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जो है समिति को अवॉइड करना चाहिए, जहां पर कि इस तरीके की कॉन्ट्रोवर्सी या इस तरीके का जो है आपका एक दूसरे के जो ऑप्शन है उनके बीच में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट रिकमेंडेड टू रिटेन द नेचुरल ग्रीन कलर ऑफ वेजिटेबल्स। तो इसमें दिया हुआ है पहला आफ्टर बॉइलिंग प्लंज वेजिटेबल इन कोल्ड वाटर टू अरेस्ट द कुकिंग। तो ये जो हमारा ब्लांचिंग में होता है, जब हम उसको किसी भी वेजिटेबल को ब्लांच करते हैं उसके बाद उसको तुरंत चिल्ड वाटर में या कोल्ड वाटर उसमें डालते हैं ताकि उसकी फर्दर कुकिंग रुक जाए और साथ में उसको जो है ग्रीन कलर को या फिर जो भी इसका कलर है वेजिटेबल का उसको ये रिटेन करता है। तो ये जो ऑप्शन है नॉट रिकमेंडेड का, तो हालांकि ये रिकमेंडेड होता है इसलिए ऑप्शन ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया कुकिंग वेजिटेबल अनकवर्ड फॉर सम टाइम टू अलाउ वॉलेटाइल एसिड्स टू एस्केप। तो जो है ये भी सही बात है कि जो कुकिंग वेजिटेबल होते हैं उसको कुछ समय के लिए अनकवर्ड में कुक करना चाहिए ताकि उसमें जो भी वॉलेटाइल एसिड्स हैं वो निकल जाए। तीसरा ऑप्शन है कुकिंग वेजिटेबल इन स्मॉल बैचेस एंड रिड्यूसिंग होल्डिंग टाइम, तो ये भी सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फोर जो है आपका एडिशन ऑफ सोडा बाइकार्बोनेट व्हाइल कुकिंग फॉर ब्राइट ग्रीन कलर, तो ये ऑप्शन गलत है। ब्राइट ग्रीन कलर के लिए कभी भी सोडा बाइकार्बोनेट यूज नहीं होता है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है अ कस्टमर वुड लाइक टू ऑर्डर ब्रेकफास्ट डिशेस विच आर लो इन कोलेस्ट्रॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड। तो लो इन कोलेस्ट्रॉल डिशेस इसमें बताना है ऑमलेट एंड टोस्ट। इसमें ऑमलेट जो है बनाने में आपका फैट का यूज होता है, टोस्ट में भी जो है फैट यूज होता है, ग्रिल्ड लिवर ऑन टोस्ट, टोमेटो एंड चीज सैंडविच, चीज में बहुत सारा फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। तो ऑप्शन फोर है इडली सांबर एंड कोकोनट चटनी, तो ये अब सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसका ऑप्शन फोर है। अगला क्वेश्चन है द प्री प्रिपरेशन मेथड विच डायरेक्टली इनएक्टिवेट्स बैक्टीरिया ईस्ट मोल्ड्स और एंजाइम्स इज। तो इसमें बता दिया वो ऑप्शन देख के आपको समझना पड़ेगा प्री प्रिपरेशन कौन कौन सी इसमें मेथड दिए हैं कि जो बैक्टीरिया ईस्ट और मोल्ड्स एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनएक्टिवेट करता है, मतलब कम करता है। पहला जो दिया है सोकिंग, वॉशिंग, फर्मेंटेशन फोर्थ दिया है, तीसरा दिया है ब्लांचिंग। तो सोकिंग है, वॉशिंग है, इससे कोई भी जो है बैक्टीरिया की एक्टिविटी कम नहीं होती है। और ऑप्शन फोर दिया है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से तो और ज्यादा बैक्टीरिया और चीजें बढ़ जाती हैं। बट यहाँ पे जो ऑप्शन है ब्लांचिंग, ब्लांचिंग जो है आपकी बैक्टीरिया की एक्टिविटीज को कम करता है और उसको स्टॉप करता है फर्दर ग्रोथ को, इसलिए ब्लांचिंग जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं वेस्टर्न इंडियाज फेवरेट हंग कर्ड डिजर्ट विच डज नॉट नीड कुकिंग इज कॉल्ड। तो वेस्टर्न इंडिया मतलब ये बात कर रहे हैं आपकी वेस्ट साइड की, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रॉबेरी योगर्ट, ये तो इंडिया की है ही नहीं योगर्ट, ये जो है वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होता है। भापादोई जो है आपके ईस्टर्न स्टेट मतलब कि आपका वेस्ट बंगाल इसमें आता है, वहां की ये फेमस डिश है भापादोई और इसको स्टीम करके बनाया जाता है। अगला ऑप्शन दिया है श्रीखंड, तो ये करेक्ट आंसर है क्योंकि ये ईस्ट का नहीं है, तो सॉरी ये ईस्ट वेस्ट का है, ये ईस्ट का नहीं है।
अगला ऑप्शन दिया मिष्टी दोई, ये भी आपकी वेस्ट बंगाल की हंकर्ड है, लेकिन इसमें मीठी होती है, नाम ही इसका मिष्टी दोई मतलब मीठी दही, लेकिन ऑप्शन जो है हमारा वो है श्रीखंड। तो इसमें आपको एक मेन चीज दी गई है कि कर्ड और आपका योगर्ट है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो इनके जो बैक्टीरिया होता है उसमें ये डिफरेंस होता है, कर्ड कंटेन्स लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और जो योगर्ट होता है इसमें लाइव स्ट्रेन्स ऑफ बोथ लैक्टीबैसिलस बुल्गारिस बैक्टीरियम एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो ये इसमें जो है मेन कर्ड और योगर्ट में बैक्टीरिया का अंतर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन शीर खुरमा फ्रॉम विच इट डिराइव्स इट नेम। तो शीर खुरमा जो है ये जो है आपकी फेमस डिश है, और शीर खुरमा जो है आपके ईद के समय में सबसे ज्यादा खाई जाती है इंडिया में। इसमें ऑप्शन दिया कोकोनट, डेट्स, राइस, एप्रिकॉट्स। तो करेक्ट आंसर है इसका डेट्स जो है शीर खुरमा में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क डिजर्ट्स इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ रमादान ईद। तो ये जो ऊपर ही हमने डिस्कस कर लिए थे इसका आंसर जो है शीर खुरमा। इसके अलावा शाही टुकड़ा है, शाही टुकड़ा जो है आपकी हैदराबाद की फेमस डिश है, सेवैया खीर या पुडिंग जो है ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, जौक ए शाही। तो सही ऑप्शन है आपका शीर खुरमा। अगला क्वेश्चन है आपका अ पॉपुलर साउथ इंडियन फेस्टिवल स्वीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रीन ग्राम दाल, कोकोनट मिल्क, मिल्क घी या जैगरी एंड नट्स इज कॉल्ड। तो इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका परप्पू पायसम। परप्पू का मतलब ही जो होता है ये अपना तमिलनाडु की डिश है, परप्पू का मतलब होता है दाल और पायसम का मतलब होता है खीर। तो अलग अलग साउथ इंडियन राज्यों में अलग अलग नाम से पायसम बनती है, बट परप्पू का जो मेन मतलब होता है वो होता है आपका दाल पायसम मतलब दाल की खीर। तो इसमें जो है ग्रीन ग्राम दाल यूज होती है, कोकोनट मिल्क, मिल्क घी, जैगरी एंड नट्स इसमें यूज होता है। इसके अलावा पाल पोली है, पलाड़ा पायसम है, मूंग दाल हलवा, ये भी ऑप्शन जो है इसके बारे में आप पलाड़ा पायसम जो है ये भी आप पढ़ सकते हैं, और पाल पोली भी एक स्वीट डिश होती है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका एन ऑस्पिशियस स्वीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम बंगाल ग्राम दाल, वीट, घी एंड शुगर और जैगरी इन सदर्न वेस्टर्न इंडिया फॉर फेस्टिवल और एज एन ऑफरिंग टू गॉडेस। तो इसका करेक्ट आंसर है पूरन पोली। पूरन पोली जो है बंगाल ग्राम दाल, वीट, घी इन सब चीजों से बनता है, और ये जो है पूरन पोली जो है आपकी महाराष्ट्र की मुख्यतः जो है महाराष्ट्र में कंज्यूम की जाती है, वहां की फेमस डिश है।